गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, असी लास्ट टॉपिक कर रहे थे फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। हाँ जी राजे, फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट बारे मैं तुहानू पहले दो पॉइंट्स करवाए सी। सो असी नैक्सट थर्ड पॉइंट्स वो देखांगे। अनाटमी ऑफ थैलेमस पेडिसल एंड स्टैम एक्सिबिट सिमिलैरिटीज। मीनस जिमें थैलेमस हुंदा वा, थैलेमस हुंदा वा, पेडिसल हुंदा वा फ्लावर दे विच, उस तरीके नाल उन्हां दे जिहड़े अनाटमी है, मतलब कि उस सैल्स दी स्ट्रक्चर है, वह सिमिलर होएगी विद द स्टैम दे नाल। सो असी इस तरीके नाल मतलब कि उसनूं जिहड़ा हैगा स्टैम दे नाल मतलब स्टैम वर्गा कह सकते हैं। वैस्कुलर सप्लाई टू डिफरेंट अपेंडिसेस रिजेंबल विद वैस्कुलर सप्लाई ऑफ नॉर्मल लीव्स। हाँ जी राजे, वैस्कुलर सप्लाई मीनस जो साइलम ते फ्लोइम्स वर्गी जिहड़ी सप्लाई है, मतलब जो वेन्स हुंदियां ने उस विच फ्लावर दे विच भी ते स्टैम दे विच भी सेम ही वर्कआउट दिंदियां ने। सो इस तरीके नाल जो मतलब कि शूट दे विच वैस्कुलर सिस्टम हुंदा उस तरीके दा ही फ्लावर दे विच होएगा। सो इस तरीके नाल मतलब ये रिजेंबल करदा वा स्टैम दे नाल। फोर्थ वन इज़ इन रोज़ फ्लावर सैपल्स रिजेंबल विद लीव्स ऑन द स्टैम। फ्लावर दे विच जिवें रोज़ है, रोज़ दे फ्लावर दियां जिहड़ियां सैपल्स ने राजे ओह रिजेंबल करदियां ने जिवें स्टैम दे उपर लीव्स हुंदे ने। सो इस तरीके नाल इसनूं असीं मॉडिफाइड शूट का नाम दिंदे आ। सो साडे कोले इक आ जांदा वा डेसिनेरिया प्लांट है। डेसिनेरिया दे विच की हुंदा, स्टेमन्स आर एक्सपेंडेड लाइक ऑर्डनरी लीव्स एंड कार्पल्स आर फोल्डड लीव्स एंड आर नॉट फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाइल एंड स्टिग्मा। हाँ जी राजी, इस दे विच स्टेमन्स हुंदे ने जो कि मेल पार्ट होएगा फ्लावर दा, वो एक्सपेंडेड होया हुंदा लाइक ऑर्डनरी लीव्स दी तरह, एंड कार्पल्स जिहड़े हैगे ने फोल्ड होए होणगे जिवें फोल्डड लीव होण। क्लीयर? सो इस तरीके नाल मतलब कि असी इस नूं प्रॉपर जिहड़ा हैगा स्टाइल ते स्टिग्मा नूं डिफरेंशिएट नहीं कर सकदे इन द केस ऑफ डेसिनेरिया। सो स्टेमन्स ते कार्पल्स जिहड़े हैगे ने लीव्स दी तरह होण करके असी इस नूं एक मॉडिफाइड शूट दा नाम दे रहे हां। सो नैक्सट वन राजे साडे कोले की आ जांदा वा, असी गल करांगे थैलेमस दी। थैलेमस की हुंदा, जिहड़ा बेसल पोर्शन हुंदा वा फ्लावर दा जिसदे उपर सारियां वर्ल्स प्रेजेंट हुंदियां ने। सो स्टूडेंट्स, वो की होई हुंदी आ, इलोंगेट हुंदी आ गैनेंड्रो ऑपिस दे विच, जां असी गायंड्रा बोल दिंदे आ, एंड शो डेस्टिनेशन ऑफ लोंग इंटरनोड बिटवीन द डिफरेंट फ्लोरल अपेंडिसेस। हाँ जी राजे, गायनेंड्रो ऑपिसिस दे विच मतलब कि फ्लावर होएगा जिहड़ा, उस दे विच जिहड़ियां मतलब कि थैलेमस होएगी वो की होएगी, इलोंगेटेड हुई होएगी। सो उस दे विच जिहड़ियां मतलब कि फ्लोरल अपेंडिसेस ने उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी होएगी इंटरनोड्स जिहड़ियां लंबियां होणगियां। इस तरीके नाल जिहड़े इंटरनोड्स ने वो सानू रिजेंबल करदे ने किहदे नाल, स्टैम दे नाल। सो इस तरीके नाल असीं उसनूं मॉडिफाइड स्टैम बोल सकते हैं। हाँ जी राजे, नैक्सट वन इज़ द वाटर लिली दे विच गल करांगे असीं। वाटर लिली दे विच की होएगा, ट्रांजिशन स्टेजिज कैन बी ऑब्जर्वड बिटवीन द सैपल्स एंड पैटल्स एंड अ पैटल एंड अ स्टेमन। हाँ जी राजे, उस दे विच की होएगी, ट्रांजिशन स्टेजिज प्रेजेंट होणगियां, ऑब्जर्व होंदियां ने कि दे विच सैपल्स ते पैटल दे विचकार एंड पैटल ते स्टेमन दे विचकार। सो अगर उन्हां दे विच सम ट्रांजिशनल स्टेजिज हैगियां ने तां असीं कह सकदे हां ये भी एक जो करैक्टर होएगा जो रिजेंबल करेगा स्टैम दे नाल। इस तरीके नाल असीं इस सारे करैक्टर्स नूं देखते हुए कह सकते हैं फ्लावर की है एक मॉडिफाइड शूट है। क्लियर स्टूडेंट्स? नैक्सट असी वन बाय वन गल करांगे। साडे कोल आ जांदा वा केलेक्स। केलेक्स की होएगा, असी गल कीती सी पहलां कि जो पार्ट होएगा फ्लावर दा मीनस सैपल्स होणगियां, कट्ठियां हुई सैपल्स नूं असी की बोल दिंदे आ, केलेक्स बोल दिंदे आ। सो स्टूडेंट्स, द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर सैपल्स ऑफ सैपल्स आर यूजली लीफ लाइक ग्रीन इन कलर। जिहड़े सैपल्स होणगे इत्थे फ्लावर आएगा राजे, ठीक है, फ्लावर लिख लेना, आर यूजली लीफ लाइक ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। केलेक्स की हुंदियां ने, आउटर मोस्ट वर्ल होएगी फ्लावर दी, जो कि सैपल्स हुंदियां ने, ग्रीन लीव्स होणगे फ्लावर दे जो फ्लावर नूं प्रोटेक्ट करके रखदे ने इन बड कंडीशन दे विच। क्लीयर स्टूडेंट्स? दैन असीं इन्हां दे फंक्शंस देखांगे। सो इत्थे दो टर्म्स ने साडे कोले,
हाँ जी राजी, अगर मतलब कि जड़ियाँ हैगियाँ ने असी कहने भी सैंपल सारिया फ्री ने, मतलब फॉर्म्स ऑफ कैलैक्स की गल करांगे, अगर सारिया सैंपल्स आपस दे विच कनैक्ट नहीं है, जुड़िया नहीं हुई, फ्री होनगियाँ, तो असी उस कंडीशन की बोलांगे पॉली सैपलस फ्लार कहांगे। हाँ जी राजे, ब्रासिका दे विच सानू मतलब जिहड़ा सरों दा फुल हुंदा है उस दे विच सानू जिहड़ियां सैपल्स नज़र आंदियां ने ओह की हुंदा कंडीशन पॉली सैपलस हुंदी है। हाँ जी राजे, कई फ्लावर्स दे विच गैमोसैपलस कंडीशन हुंदी आ। गैमो मीनस फ्यूज, मतलब सैपलस मीनस सैपल्स जिहड़ियां हुंदियां ने ओह फ्यूज होईयां हुंदियां आपस च, इन द केस ऑफ पुटीनिया। क्लीयर स्टूडेंट? सो अगे असी देखते हैं पैटालॉइड की होंगे ने। पैटालॉइड की होंगे ने, अगर कई जिहड़ियां हरिया पत्तियां ने उन्हां दा कलर जिहड़ा हुंदा पैटल्स वर्गा हो जाता, मतलब कलर्ड जिहड़े लीव्स ने फ्लावर दे उन्हां वर्गा उन्हां दा कलर हो जाता वा, तो असी प्रॉपरली डिस्टिंगुइश नहीं कर सकते दोनों नूं कि किहड़ियां सैपल्स ने ते किहड़ियां पैटल्स ने। मतलब बेसिकली की हुंदा, सैपल्स जिहड़ियां हैगियां पैटल वर्गियां हो चुकियां ने, तो असी उसां नूं की बोलांगे, पैटालॉइड्स बोलांगे। दैन असी फंक्शन देखांगे केलैक्स के फंक्शन की होंगे। सो स्टूडेंट साढ़े को है, केलैक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स। पहली गल, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थैलेमस नूं, ते बाकी सारे जिहड़े पार्ट ऑफ फ्लावर ने उन्हां नूं की करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सैकेंड की है, इट आलसो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन्स, जिहड़े अंदरले फ्लोरल ऑर्गन्स ने लाइक पैटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, इन बड कंडीशन दे विच उन्हां नूं की करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दैन थर्ड वन इज, केलैक्स आलसो अट्रैक्ट्स इनसेक्ट्स वैन बिकम्स कलर्ड और प्रोड्यूस नेक्टर। हाँ जी राजे, केलैक्स की करेगा, अट्रैक्ट करेगा इनसैक्ट्स में, मीनस बिकॉज ऑफ जिहड़े क्यों, क्योंकि उन्होंने विच नैक्टर्स वाली ग्लैंड प्रेजेंट होंदिया ने जो कि नैक्टर प्रोड्यूस कर दें, जिसके करके जिहड़े इनसैक्ट्स ने उन्होंने कोले आते हैं तो वह पोलीनेशन के हैल्प करते हैं। दैन फोर्थ वन, इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दा बिकॉज ऑफ ग्रीन इन कलर हुंदियां ने, उन्हां कोल क्लोरोफिल प्रेजेंट हुंदा उन्हां दे कोल, तां करके उह जिहड़ा हैगा फोटोसिंथेसिस दा वर्क दिंदियां ने सा मतलब प्लांट नूं। दैन फिफ्थ वन इज़ द हिबिस्कस, जिहड़ा हैगा वा सबडेरिफा दे विच की हुंदा वा, जिहड़ा केलैक्स हुंदियां ने उह फ्लैशी हो जांदियां ने, क्यों, क्योंकि उन्हां दे विच स्टोरेज हो जांदी आ फूड दी जो कि एडिबल इन नेचर होणगे। क्लीयर स्टूडेंट्स? नैक्सट असी देखते हैं साढ़े को एपीकैलैक्स आ जाता वा, एक ही होएगा एपीकैलैक्स दे विच की आ जाता, सम प्लांट्स आ वर्ल ऑफ ग्रीन सैपल्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द केलैक्स इज कॉल्ड द एपीकैलैक्स। हाँ जी राजे, समटाइम्स की हुंदा, एक तो असी सैपल्स कह दें जो कि लार्ज ग्रीन कलर दिया फ्लावर के नीचे मतलब लीव्स प्रेजेंट होंगे ने, उन्होंने सैपल्स बोल दें। उस सैपल्स के नाल एक्सट्रा ग्रीन कलर दिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिसनों असी की बोलते हैं एपीकैलैक्स बोल दें। एपीकैलैक्स कंसीडर्ड अ वर्ल दैट इज़ द ब्रैक्टियोल। हाँ जी राजे, अगर उस फ्लावर के कोल मतलब एपीकैलैक्स प्रेजेंट ने, तो असं उसनों की बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स बोल दें। ज़्यादातर फैम जी मालवेसी फैमिली है, दैट इज़ असी चाइना रूस की गल करा, उन्होंने सानू यह देखने मिलते हैं। दैन साढ़े को आ जाता करोला आ जाता वा, करोला किसनों बोलते हैं असी, दैट इज़ द रची असी कहने भी जोड़े पैटल्स प्रेजेंट होंगे ने फ्लावर के कलर्ड जिहड़े मतलब कि लीव्स प्रेजेंट होंदे ने फ्लावर्स दे, उन्हां नूं असीं कोलैक्टिवली की बोलदे हां, करोला कहा जांदा वा। इट इज़ द सैकेंड फ्लोरल वर्ल प्रेजेंट इनर टू द केलैक्स एंड कंपोज ऑफ पैटल्स। करोला प्रोटेक्ट्स द मोर असेंशियल वर्ल ऑफ द स्टेमन्स एंड कार्पल्स। हाँ जी राजे, एक ही करोला प्रोटेक्ट करता वा जो बहुत ही जरूरी पार्ट्स होंदे ने फ्लावर दे, लाइक स्टेमन्स एंड कार्पल्स। The petals are usually brightly colored due to the presence of pigments found in chromoplasts of the cell. हाँ जी, ये कलर्ड क्यों होंदिया ने, बिकॉज ऑफ ब्राइट कलर क्यों होंदा वा, क्योंकि इन्हां दे विच पिगमेंट प्रेजेंट होंदा वा जो कि सेल्स दे विच होएगा, दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दे करके जिहड़ा हैगा वा पैटल्स दा कलर होएगा। समटाइम्स द पैटल्स
may be green in color, call it the sepaloids. ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਲੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੇਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਲਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਲੋਇਡਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਅਗਰ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਪਲਸ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੈਪਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਲੋਇਡ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਲ ਦੂਸਰੀ ਪੈਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਲੀ ਪੈਟਲਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੈਮੋ ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਕਰੋਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਟਰੈਕਟ ਦਾ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਐਂਡ ਕਲਰਡ ਔਰ ਫੋਰਮਸ ਨੈਕਟਰ ਪੋਕਿਟਸ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਲਸ ਔਰ ਕੋਲੈਕਟ ਨੈਕਟਰ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਐਟ ਇਟਸ ਬੇਸ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਕਟਰੀਫਿਰਸ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਟਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਟਰ ਪੋਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਕੈਂਟਰ ਡਕਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਲਸ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਨਸੈਕਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਸਕੈਂਟਰ ਡਕਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਡਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕਰੋਲਾ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰਗਨਸ ਲਾਈਕ ਸਟੇਮਨਸ ਮੇਲ ਔਰਗਨ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ ਐਂਡ ਕਾਰਪਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੋਲਾ ਆਲਸੋ ਰੈਗੂਲੇਟਸ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟ ਬਾਏ ਫੋਰਮਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਸ਼ੇਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।